खुर्द में शमशान घाट के पास नदी से रेत निकाली जा रही है और उसका अवैध डंप लगा हुआ है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस और प्रशासन, तहसीलदार, हम सभी लोग मिलकर गए हुए थे। वहाँ पे हमको लगभग 80 से 85 ट्रॉली के आसपास अवैध रेत का डंप था। कुछ लोग वहाँ भागते हुए भी मिले थे, लेकिन मौके से हमको कोई मशीन या ट्रैक्टर जब्ती नहीं हो पाया। केवल हमको अवैध रेत जो मिली है उसकी जब्ती बनाकर उसका जब्ती नामा सुपुर्दगी सचिव के नाम पर की गई। अभी तो मौके से जैसे हमको कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिला है। दो चार व्यक्ति भागते हुए हमको मिले थे और गांव के लोगों से जो हमने पूछताछ की थी तो उनका ये कहना था कि बहुत लोग इस सब में इन्वॉल्व हैं। उनके द्वारा रात के समय पर जब लगभग सभी लोग सो जाते हैं तो रात के 12 बजे के आसपास वहाँ पे लगातार खुदाई की जा रही है। तो अभी कल कार्यवाही की है और आगे कार्यवाही करने पर और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। मैं वहाँ पे और भी डंप की ऐसी शिकायत आ रही है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे डंप आसपास में। एक वहाँ पे और लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक डंप और मिला हुआ है, लेकिन वो डंप खनिज विभाग द्वारा नीलाम किया गया था। मे बी शिवेंद्र परिहार नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर वो डंप है। उसकी भी हमने चेकिंग की थी, लेकिन उसको जो अलॉटेड 600 वर्ग मीटर की जो उसको परमिशन मिली हुई है 1 महीने, तो वो हमको 600 वर्ग मीटर के अंदर ही उसकी अमाउंट था, जिस कारण उसके लिए हमें कोई कार्रवाई नहीं।